हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने छेने से बहुत बार रसगुल्ला बनाया है और छेने का रसगुल्ला बहुत बार खाया भी है, तो क्यों ना आज हम उसी से मिलता जुलता कोई और डेजर्ट बना ले जो सीज़न के अकॉर्डिंग भी हो और खाने में भी बहुत टेस्टी हो। आज का हमारा जो डेजर्ट है वो भी रसगुल्ला ही है, लेकिन उसका नाम है मैंगो रसगुल्ला, जो मैंगो से बनने वाला है। तो इस बार छेने से नहीं, मैंगो से रसगुल्ला बनाइए और अपने फीडबैक हमें सेंड कीजिए। मैंगो रसगुल्ला को देखकर झट से बनाने की इच्छा हो रही है ना, तो चलिए झटपट से किचन में चलकर इसको बना लेते हैं। और उससे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंगो रसगुल्ला के लिए हमें छेना नहीं बल्कि कस्टर्ड तैयार करना है, और इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है। आप जब कभी दूध बॉयल करते हैं तो हमेशा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई का यूज़ करें, ताकि जो दूध है वो कभी भी बॉटम में चिपके नहीं। और हमें इसको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए बॉयल करना है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। और अब दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम कर देते हैं, और हमें इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये चिपके बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ इसको 15 मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे। दूध को बॉयल होते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो हमने इसमें अब शुगर डाल दी है। और शुगर डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आपको और बॉयल करना है, ताकि शुगर जो है वो दूध में अच्छे से घुल जाए। शुगर डालने के बाद अब हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। अब इस कस्टर्ड पाउडर में हम ठंडा दूध डाल देंगे, और ठंडा दूध डालने के बाद हमें इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करते हुए इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमने ठंडे दूध का यूज़ किया है। अगर आप इसको गर्म दूध में घोलते हैं तो इसमें डेफिनेटली लम्प्स रह जाते हैं, तो जब आप कस्टर्ड को घोलते हैं तो उसके लिए ठंडे दूध का यूज़ कीजिए। और ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल कोई लम्प्स नहीं है। तो अब हम इसको बॉयल होते हुए दूध में डाल देंगे। तो ठंडे दूध में घोला हुआ कस्टर्ड गया गर्म दूध के अंदर, और हमने अभी गैस का फ्लेम लो ही रखा हुआ है। जैसे ही आप दूध में कस्टर्ड पाउडर डालते हो तो दूध बहुत जल्दी थिक होने लग जाता है और चिपकने भी लग जाता है, तो हमें इसे कस्टर्ड डालने के बाद लगातार चलाते रहना है, ताकि ये बॉटम में बिल्कुल ना चिपके। और कस्टर्ड डालने के बाद हमें सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। तो ये 5 से 7 मिनट के लिए उबल चुका है, तो अब हम इसे गैस ऑफ करके ठंडा होने देते हैं। जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है, हम मैंगो रसगुल्ला की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए मैं 2 आम का यूज़ कर रही हूँ। आम आप किसी भी किस्म का यूज़ कर लीजिए, पर आम बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। आम को छीलने के बाद इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आप काट लीजिए। हमें 2 आम की ज़रूरत थी, हमने दोनों आम को काट लिया है। इसके अलावा हम 8 ब्रेड स्लाइस का यूज़ करेंगे। अब हम एक एक करके सभी ब्रेड के जो किनारे हैं उनको चाकू से काट लेंगे इस तरीके से। हमने ब्रेड के किनारे काट लिए हैं। अब हम नॉर्मल दूध ले लेते हैं एक बाउल में, और इसको हम एक प्लेट में डाल देते हैं। और एक ब्रेड की स्लाइस लेकर उसको हम दोनों तरफ से दूध में डिप कर देते हैं, और डिप करते ही हमें इसको तुरंत निकाल कर इसका जो एक्स्ट्रा दूध है वो हमें निकाल देना है।
और ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब कटे हुए आम की फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद आप इसको हाथों की सहायता से एक रसगुल्ले का शेप दे दीजिए। इस तरीके से हम सारे मैंगो रसगुल्ला को रेडी कर लेंगे। अब हमने जो रसगुल्ला रेडी किया है उसको हम एक बाउल में डाल देते हैं इस तरीके से। अब इन रसगुल्लों पर हम तैयार कस्टर्ड डाल देते हैं। कस्टर्ड हमें इतना डालना है कि ये बहुत अच्छे से डिप हो जाए और जो कस्टर्ड का फ्लेवर है वो रसगुल्ले में अच्छे से आ जाए। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में बिल्कुल ठंडा कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और 2 घंटे के बाद अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पीस काट कर भी दिखाऊंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जिस तरीके से रसगुल्ला चाशनी के बिना अधूरा है, उसी तरीके से मैंगो रसगुल्ला कस्टर्ड के बिना अधूरा है। तो इसको आप कस्टर्ड में अच्छे से डिप करके रखें। और अब मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें जो कटे हुए आम हैं वो बिल्कुल अलग से अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जब ये रसगुल्ला कस्टर्ड में डिप होता है तो मैंगो के साथ इसका जो फ्लेवर होता है वो एकदम दुगना हो जाता है। तो तैयार है हमारा मैंगो रसगुल्ला। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।